उत्तराखंड के जंगलों में भड़की आग शांत होने का नाम नहीं ले रही है। वन विभाग और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सकता है। प्रदेश के तमाम जिलों से लगातार जंगलों में आग लगने की खबरें सामने आ रही हैं। जंगल की आग का नया अपडेट ये है कि 24 घंटे में जंगल में आग की 47 नई घटनाएं हुई हैं, जिनमें कुल 53 हेक्टर वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। इस तरह 5 महीने के फायर सीजन में जंगलों के आग के मामले बढ़कर 478 हो गए हैं। इन 5 महीनों में 571 हेक्टेयर वन क्षेत्र जलकर राख हो गया है। वन संपदा को भी भारी नुकसान पहुंचा है। जंगलों में भड़की आग ने चुनौती बढ़ाई तो सरकार ने भी सख्ती दिखाई, जिसके बाद वन विभाग की ओर से मुख्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। साथ ही जंगल की आग की सूचना देने के लिए नंबर भी जारी किया गया है। लोग 1800-180-4141 या फिर 013-527-44558 पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही 938-933-7488 और 766-830-4788 पर व्हाट्सएप के जरिए भी आग की खबर दी जा सकती है। जंगलों में लगी आग को लेकर सीएम धामी और आला अधिकारी लगातार एक्शन में हैं। सीएम धामी पहले ही वन अधिकारियों की बैठक ले चुके हैं। अब मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भी वन विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई और सभी जिलाधिकारियों, एसएसपी और डीएफओ को जंगल की आग की रोकथाम के लिए संयुक्त रणनीति बनाने के निर्देश दिए। सचिवालय में वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जंगलों में आग लगाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को दिए निर्देश में कहा कि इस तरह के गांवों की सूची तैयार की जाए, इसके आसपास के जंगलों में आग लगने की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। राधा रतूड़ी ने मुख्य वन संरक्षक और वन संरक्षक से हर दिन वर्क रिपोर्ट देने के लिए कहा है, जिसमें वो आग पर रोकथाम के लिए किए गए काम की पूरी जानकारी देंगे। काम में लापरवाही बरतने पर अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। तो वहीं आपदा प्रबंधन विभाग ने जंगल की आग की रोकथाम के लिए 5 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में जंगल सुलग रहे हैं, लेकिन पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और टिहरी वनाग्नि के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील है। इनमें 83 स्थान ऐसे हैं जो अति संवेदनशील है, जबकि 250 स्थान संवेदनशील है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलों के डीएम और एसएसपी को जंगलों में आग लगाने वालों को जेल में डालने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से मिले इनपुट से पता चला है कि आग लगने की ज्यादातर घटनाएं मानव निर्मित हैं और कई जगहों पर असामाजिक तत्व भी जंगलों में आग लगाने में सक्रिय हैं। अब ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीते दिनों पुलिस ने ऐसे 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही जंगलों की आग को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। सभी लोगों को हमने निर्देश, सभी जो हमारे वन क्षेत्र अधिकारी जो अधीनस्थ स्टाफ है, सभी को इसके बारे में निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे लोगों का चिन्हीकरण करते हुए संबंधित के विरुद्ध FIR तुरंत दर्ज कराएंगे इसमें, और जो है वन अधिनियम के तहत भी इसमें कार्रवाई जरूर होगी जैसे ही जो है इसमें कोई पकड़ में आता है। ऐसे अपील मीडिया के माध्यम से उनसे अपील करूंगा कि ऐसे व्यक्तियों की सूचना गोपनीय रखी जाएगी जो किसी भी ऐसे असामाजिक तत्व के बारे में जानकारी हमें देंगे, और उनको उचित इनाम भी हमारी तरफ से दिए जाएंगे। हर साल 15 फरवरी से 15 जून तक फायर सीजन घोषित किया जाता है। इस दौरान जंगलों में आग लगने की आशंका सबसे ज्यादा होती है। वन विभाग और प्रशासन हर साल वनाग्नि की घटनाओं पर काबू करने के लिए करोड़ों रुपए का बजट तैयार करता है, लेकिन धरातल पर उनका बहुत कम असर दिखता है। जंगलों में भड़की आग से भारी नुकसान हो रहा है। इससे पर्यावरण को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही वन संपदा भी राख हो रही है, जिसका खामियाजा आने वाले दिनों में प्रदेशवासियों को उठाना पड़ सकता है। और यही वजह है कि अब पूरे प्रशासनिक अमले को जंगल की आग बुझाने का जिम्मा सौंपा गया है। साथ ही अब ये भी साफ कर दिया गया है कि अब जंगलों को सुलगाने वालों को जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। हालांकि इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि देवभूमि के जंगलों की आग आखिर कब शांत होगी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।